video from class 7 for the subject of civics, and we are going to discuss the first chapter democracy. सबसे सुंदर डेमोक्रेसी का जो डिफिनेशन दिया है, जो नाम सुना हुआ आपको हमने, अब्राहम लिंकन का, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका. कहा के प्रेसिडेंट थे? अमेरिका के. उन्होंने कहा था, इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाई द पीपल एंड फॉर द इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाई द पीपल एंड फॉर द पीपल. टोटली जो गवर्नमेंट क्वेश्चन इसका है आपका पीपल, जनता इसका, जनता पूरी तरह से जनता ही रूल करती है खुद पे, इसके द्वारा अपने द्वारा. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इस हम लोग देख लेंगे और फिर देखो क्या आगे चलते हैं डेमोक्रेसी के लिए. इसमें हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी, इसमें आगे क्या क्या हम टॉपिक को डील करना है. और सेकंड टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अमेरिकन इंडिपेंडेंस, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. फिर आपका नया टॉपिक होगा द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी. एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी. एंड लास्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक डेमोक्रेसी. अमेरिका अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट से कहा कि अमेरिका ने बताया था, डिसीजन दिया था सुंदर, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. और इसके लिए हमें एक राइट दिया गया, पॉलिटिकल इंटाइटलमेंट, एक पॉलिटिकल राइट है हमारा. इसमें डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स क्या है, सिटीजन्स सब में क्या है, इक्वल है, इक्वल उनके राइट है, क्या है, इक्वल है. तो पॉलिटिकल हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमारा जो राइट क्या है, सबसे पहला हमारा जो राइट है दैट इज हमारा पॉलिटिकल राइट, क्या है, पॉलिटिकल राइट. क्या है पॉलिटिकल राइट हमारा है, वोट, वोट देने का जो हमारा राइट है. यहां पर रिप्रेजेंटेटिव को जो हमारे डेमोक्रेसी में आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्टेसी को जो हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, आगे उसको डिस्कस करेंगे. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो हमारे यहाँ पे रूल किया गया है उसको यहाँ पे पॉलिटिकल राइट दिया गया है वोट देने का. जो हमारा वोट देने का जो अधिकार है हमें मिलता है एज पर हमारे कंट्री में वोटिंग का एज जो है 18 ईयर, क्या है, 18 ईयर. जो वोट देने का राइट है पॉलिटिकल राइट है, साथ ही साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं. सबसे पहले हमारे कंट्री में वोटिंग का जो राइट था एज था 21. जब हम 21 ईयर के हो जाते हैं तब हमें वोट देने का जो राइट मिलता था. बट जब प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन, राजीव गांधी, हम सुना हुआ उन्होंने राजीव गांधी, उन्होंने 1989 61st अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है उसके अमेंडमेंट के द्वारा जो वोटिंग देने का जो राइट था 21 से रिड्यूस कर दिया गया 18 एज ईयर ग्रुप के लोग वोट दे सकते हैं. क्या है, 18 एज ईयर के लोग, 18 एज ईयर ग्रुप के लोग वोट देने का राइट दिया गया. तो यहां तक डेमोक्रेसी हुआ. अब चलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी की. अब जानना जरूरी है हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी हमारा शुरू कर से कब से हमारा डेमोक्रेसी, जैसे आपने यूनाइटेड सुना होगा राजतंत्र, एट प्रेजेंट भी हमारे बहुत सारे वर्ल्ड में कंट्री है जहां पर मोनार्की सिस्टम चल रहा है. जिसमें अभी चलेंगे डेमोक्रेसी में, तो पहले डेमोक्रेसी का आने के पहले मोनार्की सिस्टम था. अभी देखेंगे जैसे इंग्लैंड में मोनार्की सिस्टम है, आगे बताएंगे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है कहां पे, इंग्लैंड में. तो डेमोक्रेसी शुरू कब से हुआ, तो आप टॉपिक में आएंगे तो आपके पास
बुक जो अवेलेबल हो गया होगा आप देख सकते होंगे यहाँ पे। आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जिसमें आप पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपुल बाय गिविंग देम राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटाइटलमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन द एंशिएंट वर्ल्ड टू री इमर्जेंस एंड राइज फ्रॉम द 17th सेंचुरी टिल द प्रेजेंट। अब आता है कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें जनता को पावर दिया गया, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल रूप से मजबूत किया, पॉलिटिकल इंटाइटल दिया गया, पावर दिया गया जनता को किसके लिए, रूल करने के लिए। इट कैन बी ट्रेस्ड, इसका हम कहां तक जाते हैं, एंशिएंट वर्ल्ड में री इमर्ज शुरू था 17th सेंचुरी से एट प्रेजेंट तक हम डेमोक्रेसी को देखते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पब्लिक एंड द रूलर एंड द रूल आर द सेम। अब देखेंगे हम इस सिस्टम में, इस डेमोक्रेसी में जो पावर कहां से आता है, पावर है चाहे गवर्नमेंट को, या पावर जो गवर्नमेंट को मिलता है किससे, बाय द पीपल, बाय द पीपल, पीपल ही वो सारा पावर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। जैसे हम इलेक्ट करते हैं फिर रिजेक्ट करते हैं, जैसे बताया आप देखेंगे हम कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, उसका टेन्योर होता है, उसका 5 ईयर का, 5 साल तक कोई गवर्नमेंट जो इलेक्ट होती है उसको सोचे तो वहां तक काम कर सकती है। तो जनता किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर भेजते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में भेजते हैं, वे हमारे बिहाफ, मतलब बिहाफ ऑफ पीपल, वो क्या करती है, लॉ बनाती, क्या बनाती है, कानून किसके बदले, हमारे रूलर हम ही है और रूल हम ही होते हैं, होते नहीं होते। जैसे क्लास में आपने रिप्रेजेंटेटिव को मॉनिटर को नहीं लग किया, वह कोई प्रॉब्लम हो जाके हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट है उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आपके एजुकेशन के टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, तो आपके रिप्रेजेंटेटिव हुए आपकी बातों को समस्याओं को लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं, पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते। अगर सारा क्लास एक साथ जाकर अपने प्रॉब्लम को बताना हो शुरू करें तो बच बच की स्थिति हो जाए, इसके लिए वो जरूरी नहीं, इसने हमने रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को क्या किया, इलेक्ट किया। अब शुरू करते हैं, जैसे पीपल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल कह रहे थे, जो डिफिनेशन बताया था अब्राहम लिंकन ने बताया था, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। टोटल पावर किसके पास है, जनता के पास है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से आया है, डेमोस एंड कारा, या दो शब्दों से हमारा डेमोक्रेसी का परमिशन है, डेमोस एंड पीपल, इसका हो गया हो गया आपका, क्या हो गया आपका, रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, यह आपका हो गया रूल ऑफ द पीपल। यह रेफर करता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रेफर द रूल ऑफ द पीपल और द रिप्रेजेंटेटिव means to denote the political system existing in some Greek city states, notably Athens in the middle of 5th and 4th centuries. यहाँ से अगर रेफर करता है एथेंस, ग्रीक का एक शहर है, क्या एथेंस जो 5th and 4th century में वहां पे कोई प्रेजेंट किया गया है, कि वहां पे रूल ऑफ द पीपल जनता का जो शासन था वो किस तरीके से था, इसे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं।
और एंशियंट ग्रीक्स और साथ में अपना वज्जी रिपब्लिक जो वैशाली में बिहार में, वैशाली का नाम सुना होगा आपने, वैशाली, वैशाली जो हिस्ट्री में पढ़ा होगा किससे रिलेटेड है, महावीर से, है ना, जैन जैनिज्म के बारे में जाना होगा, जैन धर्म के बारे में वैशाली ने वज्जी संघ, कैसा वज्जी, यहाँ पे भी हमारे कंट्री में जो एथेंस में ग्रीस में और शास्त्र हमारे देश में वज्जी रिपब्लिक था, वज्जी गणतंत्र जो था वैशाली में, एंशिएंट इंडिया में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल है। या डेमोक्रेसी का दो तरीके हो जाते हैं, इन दो तरीके हैं इसमें, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या समझते होंगे, डायरेक्ट में डायरेक्टली होता है कि डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जो पीपुल हो जो जनता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें किसी में डिसीजन मेकिंग में, क्या है डिसीजन मेकिंग में, तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हो गया जो पीपल सिटीजन्स या पार्टिसिपेट करती है डिसीजन मेकिंग में, किस तरह डिसीजन मेकिंग में हम पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट इट मीन्स टू द रिप्रेजेंटेटिव, टू द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डायरेक्ट में डायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग। स्विट्जरलैंड में स्टेट लेवल पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो आपका पंचायती सिस्टम है ग्राम सभा वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया के आपका कंट्री और पूरे देश में एक साथ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और जो आपका हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यहाँ पे हम हमारे बिहार में क्या होता है रूल बनता है, साथ शामिल होते हैं उसमें रूल डिसीजन मेकिंग। Other cultures have also synthetically contributed to the evolution of democracy such as ancient Rome, Europe, North, South America. Democracy has been called the last form of government and the state concentrated all across the globe. इसके development में basically सारे लगभग देशों ने क्या किया, अपना अपना कुछ participation दिया, योगदान किया, यूरोप का भी इसमें है, नॉर्थ साउथ अमेरिका, डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सबसे क्या है डेमोक्रेसी क्या है या लास्ट क्या है लास्ट फॉर। अगर दिस पॉलिटिकल सिस्टम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम यूरोप फ्रेम्ड अंडर द फेडरलिस्टिक गवर्नमेंट डिक्लाइन इन 14th सेंचुरी एंड डेवलप इनटू नेशनली एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जब पहले अपने यूरोपियन कंट्री में फेडरल सिस्टम था वहां पे, बाद में 14th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ, वहां पे नेशनलिस्ट केवल नेशनलिज्म की भावना आई, वहां पर नेशनलिज्म गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन हुआ, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, कल्चरल अवेयरनेस एंड लर्निंग रिगेन प्लेस, इस स्टेज वाइज उन्होंने रीनेसेंस, फिर वहां पे अपने कल्चरल अवेयरनेस शुरू हुआ, नेशनल की भावनाएं डेवलप होना शुरू हुई है वहां पे। इंग्लैंड डिफीटेड स्पेन इन 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन क्या किया, डिफीट किया, उसके बाद डेवलप्ड स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, और इसके इसके बाद इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे नेशनलिज्म का जो विचार है आइडिया लोगों में डेवलप होना शुरू हो गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास सम लॉ लाइक बिल ऑफ राइट 1689, हार्बर्स कॉर्प्स एक्ट 1679 एंड ब्रिटेन इमर्ज एज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, और आपके लॉ बनर बाद में आपका जो ब्रिटेन है एग्जाम्पल बन गया किस चीज का,
फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी का वो आपका एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे हम इसमें, आप क्या करेंगे साथ में, जो आपके न्यू टर्म बुक में है या आप देखेंगे बुक में, इसको रिमेम्बर करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बुक में दिया हुआ है आप देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है।